today I have with me the stock I love all to share with you guys. Now, isse precious cheez kuch nahi ho sakti that I started this channel. Ye wala channel maine start kiya tha wearing one of the pieces from stock I love. अगर आप मेरे चैनल की हिस्ट्री में जाओगे, फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैंने व्हाइट कलर का एक टॉप पहना हुआ है, व्हाइट बेसिक टॉप है एंड देन स्कार्फ पहना हुआ है. जो व्हाइट टॉप है उसके स्लीव्स पे ना यहाँ पे बटन डिजाइनिंग है, दैट आई गॉट फ्रॉम स्टॉक बाय लव. यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज नॉट अ यूट्यूबर और अ ब्लॉगर, मैं ऑफिस के आउटफिट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती थी. मुझे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यू नो लुक चाहिए होता था एंड तब भी मैं स्टॉक बाय लव से बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती थी, क्योंकि अभी उनका विंटर कलेक्शन इज आउट. सो आई थॉट व्हाई नॉट डू अ स्टॉक बाय लव हॉल, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, बिकॉज नॉट ओनली देयर क्वालिटी, उनका प्राइस पॉइंट, लाइक इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये डेफिनेटली एंड तक दिखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे अभी इंस्टाग्राम पे भी मैंने स्टोरी डाली थी एंड एवरीबडी वॉज लाइक कोमल यू नो ये ड्रेस कहाँ से है, ये जैकेट कहाँ से है. सो आई थिंक सारे लोगों के क्वेश्चन इस वीडियो में ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे. इंट्रो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सारी डिटेल्स प्राइजेस वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक करना जरा भी ना भूलें. लेट्स रोल. ओके, सो हॉल स्टार्ट करने से पहले एक आध यू नो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर देते हैं. वो ये, कैश ऑन डिलीवरी आपको मिलता है, स्मूथ है बिल्कुल इनका प्रोसेस, चाहे वो रिटर्न या फिर एक्सचेंज. यू नो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, जस्ट लाइक एनी इंडियन वेबसाइट, वो खुद अपना पीस मंगवाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद मंगवाएंगे, वो खुद एक्सचेंज करेंगे, लाइक पूरा जो हेडेक है वो ब्रांड का है, आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू एंजॉय प्रिटी थिंग्स इनसाइड. सो ये मैं पैकेज आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरीके की पैकेजिंग में आपको चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रिटी थिंग्स इनसाइड एंड देन यहाँ पे स्टॉक बाय लव. बाय द वे इसका भी एक पिक्चर मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ. नाउ लेट्स सी फर्स्ट थिंग मैंने क्या मंगवाया है. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट दिस बेज एम्ब्रॉयडर्ड लिनन ब्लेजर. सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. नाउ इट्स गॉट बटन एट द फ्रंट, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है. इट्स गॉट टेलर्ड फिट, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें फिट होने वाला है. नाउ सिंस द कलर इज न्यूड, आपको काफ़ी सारे चांसेस मिल जाएंगे इसको पहनने के विंटर्स में. आप यू नो इसको ऑफिस में कैरी कर सकते हैं बिकॉज द कलर इज नॉट टू बोल्ड. हल्का सा एम्ब्रॉयडरी है और पैच है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है एंड सोफिस्टिकेटेड दिखता है. एंड मेरा जो इसमें साइज है दैट इज 10 एंड 10 जो साइज है वो आता है स्मॉल की कैटेगरी में. सो कुछ भी बाय करने से पहले साइज चार्ट पक्का देखें, इन केस यू हैव एनी डाउट इन द नंबर्स 10, 12, व्हाट. कूल. सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस व्हाइट स्ट्राइप बेस के साथ में फ्लोरल प्रिंटेड लॉन्ग लाइन श्रग. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इट इज रियली कंफर्टेबल टू वेयर एंड मेरा इसमें साइज है 10 एंड आई वोंट कॉल इट समथिंग स्पेसिफिकली फॉर विंटर्स, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ है दैट यू कैन ईजिली यू नो कैरी इन समर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है. मे बी इन विंटर्स यू कैन वेयर इट एज अ कवर अप. और मैंने यहाँ पे इसको टीम अप किया हुआ है ग्रीन पैंट्स के साथ में और वाइट बेसिक टॉप के साथ में. एंड यू नो आई लव द फैक्ट कि ये अलोंगेट करता है आपकी बॉडी को, विच लुक्स रियली गुड इन पिक्चर्स. नेक्स्ट अप आई हैव दिस ड्रेस जो कि मैंने एक्चुअली वेयर किया हुआ है अभी. सो इट इज़ अ रियली कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस जिसको आप दोनों तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. ऑल ओवर आपको फ्रंट में बटन मिलेंगे विच यू कैन ओपन इफ यू नीड टू वेयर इट एज अ श्रग और अ किमोनो, इफ नॉट पैक इट अप. इफ यू आर अ फैन ऑफ बूट्स आई थिंक इट रियली मेक्स अ रियली गुड सेंस. 3-4 स्लीव्स के साथ में आता है. इस ड्रेस के साथ में आपको ज्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी एंड यू लुक स्टाइलिश एट द सेम टाइम. आई रियली लव द वे दे हैव नेम देयर पीसेस. सो यहाँ पे जो है मेरे पास ये है रोज अबिगेल टेप डिटेलिंग कोऑर्ड्स ट्राउजर सेट. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई नो द कलर इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर समर बट डेफिनेटली नॉट अ नो नो फॉर विंटर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैजुअल लुक है एंड आई थिंक पार्टीज के लिए शुड डेफिनेटली कंसिडर. वाई आई टेल यू नाउ ये पार्टी आउटफिट कैसे बनता है. नाउ यहाँ पे आप ट्राउजर पे आपको जो बटन डिटेलिंग्स मिल रही हैं, लास्ट के 3 बटन्स, आई थिंक 4 बटन्स, यू कैन अनबटन इट एंड ईजिली मेक इट लाइक अ पार्टी गो आउटफिट, क्योंकि इट इज मोर कैजुअल एंड विंटर्स में आई थिंक इंस्टेड ऑफ वेयरिंग सच शॉर्ट ड्रेसेज एंड देन शिवर करना, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा बेटर है वेयर समथिंग लाइक दिस जो कि स्टाइलिश भी हो, स्टेटमेंट भी हो एंड आपको कंफर्टेबल भी लगे. नेक्स्ट अप आई हैव दिस व्हाइट लेस स्केटर ड्रेस, बेल स्लीव्स के साथ में आती है. साइड में आपको यहाँ पे एक जिप मिलती है सो दैट यू कैन ईजिली फिट इन दिस ड्रेस और पीछे एक की होल मिलता है आपको बटन के साथ में. आई थिंक इट्स अ ओवरऑल अ डिसेंट लुकिंग पीस, प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है. यू आर गेटिंग इट फॉर आई थिंक 900 के आसपास. इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल एंड सिंस आई वॉज शूटिंग आउटसाइड लाइक हमारी कार के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा मैच भी हो रही थी एंड आई क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर यू नो मेरी कार के साथ में एंड आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी देयर यू मस्ट गो चेक इट आउट, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी दी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट
एंड ओवरऑल आई लव द पीस. ड्रेस का लाइन पैटर्न है और यहाँ पे आपको मैश डिटेल मिलती है स्लीव्स पे, विच आई थिंक इज रियली रियली गुड. यू कैन डेफिनेटली वेयर व्हाइट कलर के फुटवेयर विद दिस ड्रेस, बट आई थिंक न्यूड एंड ब्लैक कलर के हील्स साथ में ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी. आई क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर इन दिस ड्रेस, आई लव इट. विंटर में बेल स्लीव्स पहनने का एक और बहुत बड़ा रीज़न आई विल गिव यू. यू नो व्हाट, जब हम कुछ ऐसा बॉडी हगिंग पहनते हैं, इफ इन केस वी आर वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ इनर या फिर थर्मल या फिर वार्मर, वी काइंड ऑफ गेट थोड़ा सा बहुत फसी हो जाता है यहाँ पे, एंड उसको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जाता है. एंड वेयरिंग बेल स्लीव्स इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लगते हैं और उनको एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और कहीं से भी डाउट नहीं होता कि हमने अंदर भी कुछ पहना हुआ है, क्योंकि विंटर से भी हमको बचा रहा है, फैशनेबल भी हम दिख रहे हैं. क्योंकि ये है मेरे पास पिंक डेंजिल प्लीटेड बेल स्लीव्ड टॉप, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स गॉट प्लीटेड फैब्रिक लाइंड पैटर्न के साथ में आता है, एंड देन बटन के साथ में यहाँ पे आपको एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल स्लिट दिया हुआ है, विच लुक्स सेक्सी. एंड थर्मल वगैरह कैरी करने के बाद में हाई वेस्ट के साथ में आप उसको पहन सकते हैं. लुक्स रियली रियली गुड एंड वेरी वेरी फ्लैटरिंग. लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस ब्राउन डस्ट ऑफ वेस्ट कोट, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट कम्स विद अ सेल्फ टाइप बेल्ट और इसको आप दो तरीके से कैरी कर सकते हैं. यू नो इन समर यू कैन वेयर इट एज अ लेयर, जो कि स्टाइलिश भी दिखती है, एंड यू कैन टाई इट यू नो एज पर योर नीड्स. एंड विंटर्स में डेफिनेटली वेयर इट विद यू नो निटेड स्वेटर एंड वो बॉडी हगिंग पीसेस के साथ में काफी अच्छा लगता है. मैंने यहाँ पे एक्चुअली समर के अकॉर्डिंग इसको स्टाइल किया हुआ है, बिकॉज आई फॉरगॉट टू कैरी एनी यू नो निटेड स्वेटर, तो मेरे पास कुछ था नहीं. सो मैंने एक्चुअली इसको स्टाइल किया हुआ है यहाँ पे क्रॉप टॉप के साथ में, एंड नो डाउट इट लुक्स रियली फ्लैटरिंग. मेरा इसमें साइज है 10 एंड आई लीव ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपके लिए वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. यू नो प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्राइस, साइज, इतनी इतनी भी डिटेल ना आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो चेक करना जरा भी ना भूलें. ऑल्सो स्टॉक बाय लव जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे एवरी नाउ एंड देन दे हैव रियली गुड ऑफर्स गोइंग ऑन. तो शायद कोई डील वगैरह भी होगी तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज डील में ऐसी चीज़ें लेना तो उसका मजा कुछ अलग ही आता है. ऑल्सो उनका जो नया विंटर कलेक्शन है दैट इज इवन मोर किलर. तो एक्चुअली मैं कुछ एक चीज़ों को घूर रही हूँ, लाइक आई एम आइंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स. तो जब तक मैं उनको लूँ तब तक आप ध्यान रखिए. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच. बाय.